हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे गुजरात एंड हिमाचल आर्टिफैक्ट्स एट G20 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये न्यूज़ क्या है। देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी G20 में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडोनेशिया में थे और इस दौरान वे अलग अलग नेशंस के हेड से भी मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि वो जिस नेशन हेड से भी मिले उन्हें उन्होंने कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पर दिया। और इस गिफ्ट की अगर हम बात करें तो इस गिफ्ट में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आर्टिफैक्ट्स को शामिल किया गया था। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे ही आर्टिफैक्ट को डिस्कस करेंगे जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने जो इटली के काउंटर पार्ट हैं पीएम जॉर्जिया मिलोनी उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जॉर्जिया मिलोनी जी को क्या गिफ्ट के तौर पर दिया था। देखिए, अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो काउंटर पार्ट हैं इटली के जॉर्जिया मिलोनी उन्हें पटोला, जो पटन पटोला साड़ी है, वो गिफ्ट के तौर पर दिया था। तो अब जरा हम समझते हैं पटन पटोला साड़ी के बीच में। देखिए, अगर पटन पटोला साड़ी की बात करें तो ये जो आर्टिफैक्ट्स है इसका संबंध एंशियंट टाइम से ही है। कहा जाता है कि 11th सेंचुरी के टाइम से ये आर्ट फॉर्म किया जाता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो आर्ट फॉर्म है इसमें साड़ी जो मेड की जाती है उसमें कहा जाता है कि जो प्रिंटिंग वगैरह या डिजाइन वगैरह किया जाता है फैब्रिक पे, ये बोथ साइड से इक्वल इंटेंसिटी का होता है। मीन्स अगर आप दोनों साइड से इसे देखें तो इक्वल दिखेगा। ऐसा नहीं कि बोथ साइड से अलग, दूसरे साइड से अलग दिखने वाला है और अलग साइड से अलग दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोथ साइड से ये इक्वल दिखता है, जिसके कारण जो करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड थोड़ा कम हो गई है। करंट जो फैशनेबल साड़ियाँ आ गई हैं उसके कारण क्या होता है कि इसकी जो बनाने की टेक्निक वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके कारण जो इसके प्राइसेज वगैरह होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। कहा जाता है कि इसकी एक साड़ी की कीमत अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख रुपए तक की होती है। तो करंट सिनेरियो में ये पटन पटोला जो नॉर्थ गुजरात है वहाँ पर बहुत फेमस है, वहाँ की कुछ फैमिलीज हैं जो इस काम को करती हैं। तो अब जरा हम समझते हैं कि पटन पटोला से रिलेटेड कौन सी फैमिली जो करंट में है, जो न्यूज़ में भी रहती है, कहा जाता है कि बहुत सारे उसे नेशनल प्राइजेज भी मिले हैं, उनको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो पटन पटोला साड़ी है उसे करंट सिनेरियो में सिर्फ एक गुजरात की फैमिली है जिसका नाम है साल्विस फैमिली, वही इसकी जो वीविंग वगैरह है वो करती हैं। इसमें कहा जाता है कि करंट में सिर्फ 9 मेंबर बचे हुए हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और इनके अकॉर्डिंग अगर हम साल्वी फैमिली के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन लोगों का कहना है कि एंशिएंट टाइम में जो था इंडोनेशिया वगैरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी पटन पटोला साड़ी की। कहा जाता है कि वहाँ के किंग वगैरह यहाँ से अक्सर इंपोर्ट करते थे। बट जो करंट सिनेरियो की बात करें तो कह रहे हैं कि जो फैशनेबल साड़ियाँ चली जा रही हैं उसमें जो इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वगैरह है उसके कारण इसकी डिमांड कम हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है इसकी डिमांड कम होने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो इस कारण करंट में इसकी डिमांड कम हो रही है। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसलिए चाह रहे हैं कि इसे लाइमलाइट में लाए, ताकि उन्होंने एज ए गिफ्ट के तौर पर इसीलिए इटली के काउंटर पार्ट को दिया कि वर्ल्ड वाइड ही बहुत ज़्यादा फेमस किया जा सके और फिर से इसे वो एक ग्लोरी दी जा सके जो पहले हुआ करती थी। कहा जाता है कि जो साल्वी फैमिली है वो पहले महाराष्ट्र में रहती थी और जो उस समय के कहा जाता है कि एक सोलंकी डायनेस्टी के जो किंग कुमार पाल थे उन्होंने महाराष्ट्र से इन्हें लाकर नॉर्थ गुजरात में बसाया था। और उनका मानना था कि जो साल्वी फैमिली है ये बहुत अच्छा काम करती हैं। ये साल्वी फैमिली वही साल्वी फैमिली है जो इनके इंसेस्टर उस टाइम में नॉर्थ गुजरात में आकर बस गए थे। तो करंट सिनेरियो यही है पटन पटोला से रिलेटेड कि इसकी डिमांड कम हो गई है, इसकी महंगाई के कारण इसकी डिमांड कम हो रही है। बट जो आर्टिफैक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है एग्जाम इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कस करना। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।